जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, जय श्री राधे। वेरी इम्पोर्टेंट डे, आज का मुहूर्त बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी जो आ रहा है राधाष्टमी का, संभवतः कृष्ण जन्माष्टमी से अधिक है। शक्ति न हो तो शक्तिमत का क्या स्थान है? सूर्य निकले प्रकाश न दे तो उसको कौन पूछे? डूबते सूर्य को कौन पूछे? उगते सूर्य को प्रणाम करते हैं। सूर्य निकले गर्मी ना दे, ठंडा पड़ा रहे तो उसको कोई पूछे नहीं। उसमें शक्ति है, सामर्थ्य है। ऐसे भगवान में सामर्थ्य है, शक्ति है। शक्ति और शक्तिमत दो अलग कैसे हो सकते हैं? शक्तिमान और उसकी शक्ति अलग अलग जगह अलग अलग समय कैसे हो सकते हैं? शक्ति अलग कहीं हो, शक्तिमान कहीं हो, संभव नहीं है। तो भगवान और भगवान के सह धर्मचारिणी, धर्म को धारण करने वाली, अच्छाई को, गुडनेस को, प्रेम को बांध कर, द बॉन्ड। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, क्रिएशन में, एंटायर क्रिएशन में कहीं कुछ नहीं है। बाल नहीं, नाखून नहीं, बालू का कोई, रेती का एक कण नहीं कहाँ पर कहीं, जिसमें कुछ ना कुछ बाउंड टुगेदर ना हो। ऑल काइंड्स ऑफ फोर्सेस, छोटे से छोटे में माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, सुपर सेंसिटिव अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी देखे तो देयर स्टिल आयनिक बॉन्ड्स पकड़ के रखा है। दोनों में कुछ आकर्षण है। और बड़े में बड़े मैक्रोकॉज्म में, ग्रह, तारे, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज, सुपरनोवास, जहाँ हमारी बुद्धि नहीं उसका परिमाण ले सकती, उनको भी किसी ने एक दूसरे के साथ आकर्षण करके रखा है। तो इतने बड़े विश्व ब्रह्मांड से लेकर इतने छोटे से छोटे तक कहीं ना कहीं फोर्स है, बॉन्ड। और कृष्ण और राधा व्याख्या करते दैट इज लव। वो जो शक्ति है जिन्हें छोटे से छोटों को पकड़ के रखा है एक दूसरे के साथ, और बड़े में बड़ों को बांध के रखा है। ऐसे कई जगह नहीं, कोई वस्तु नहीं जहाँ पर प्रेम का अस्तित्व नहीं है। सारी बलिहारी है, हम ध्यान किधर है? डू यू रियलाइज दैट? जैसे मैंने शंकराचार्य का प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के वन ऑफ द लास्ट 50 प्रश्न स्वयं से ही पूछते, स्वयं ही उत्तर देते हैं शिष्यों के भलाई के लिए। उनमें से एक ही, तो भगवत भक्ति का क्या परिणाम क्या है, उसका उपयोग क्या है? कहते यू विल रियलाइज इट। इतने आसानी से कह देते रियलाइज, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, आई रियलाइज। जब तक रियलाइज नहीं हो, रियल RELL, तब तक वर्चुअल है। रियलाइजिंग इट अंटिल देन वर्चुअल है, वर्चुअल रियलिटी है, प्रत्यक्ष नहीं है। मे बी है, मे बी नहीं है, कहीं है, कैसा है? रियलाइज हुआ तो पकड़ लिया, प्रत्यक्ष हो गया, तो कहते हाँ वो उपयोग है भगवान भक्ति का। रियलाइज होगा, एक्चुअल होगा, रियल होगा। इसलिए लगे रहना चाहिए। ये विशेष दिन चल रहे, श्रावण मास हुआ, भाद्रपदवार, चातुर्मास वैसे ही चल रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी हुई, बलराम जयंती हो गई, राधाष्टमी रहा नहीं जाए। किस शक्ति, उसकी प्रेमिका कितने दिन तक उससे दूर रहे? इज नो लवर लाइक राधा, तुरंत पीछे पीछे चली आई। पिछले सत्र में हमने जैसे चर्चा करी थी, ये डिस्ट्रैक्शंस कम होने चाहिए इस समय में। एवरीथिंग इज अ डिस्ट्रैक्शन हियर। कोर, फोकसिंग ऑन द कोर, ऑन द एसेंस, अदरवाइज इन डिस्ट्रैक्शन 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 में ही आज तक अभी तक का जीवन निकल गया। मेजॉरिटी मोस्टली डिस्ट्रैक्टेड, लिविंग अ वर्चुअल लाइफ, प्रैक्टिकली वर्चुअलाइज्ड इंस्टेड ऑफ रियलाइज। इधर ऊपर टॉप के अप रियलाइज करने के लिए काम करे जा रहे, वर्चुअलाइज करने का। सो कर्टेलिंग द डिस्ट्रैक्शन, मिनिमाइजिंग
really, really, really focusing and realizing this is the time. मौका भी है, जैसे अर्जुन को कहा था भगवान कृष्ण ने, तू जयद्रथ को मारना चाहता था ना, सूर्य सूर्य डूबने से पहले प्रण किया था, ले ये रहा सूर्य, ये है जयद्रथ, और ये तू उठा धनुष, लगा निशाना, अब क्या तेरी है, हेर इट। ऐसा समय है, आसान है, संभव है, हो सकता है, जरूर सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कितनों ने किया, बहुनाम गीता में तो आश्वासन देते, इतने संत गुरु महात्मा की कहे जा रहे भारत भूमि में, इतने शास्त्र, कैसे नहीं हो सकता। एवरी बिट वर्दी, एवरी वन ऑफ अस इज एवरी बिट वर्दी ऑफ ऑल ऑफ इट, पार्शल नहीं, टुकड़े नहीं चाहिए हमें, पूरा संपूर्ण चाहिए परमात्मा, तभी रियल होगा, नहीं चाहिए, मिले जब जब पूरा मिलेगा तभी चाहिए, तभी लेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, जरूरत नहीं है, जो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा उसको उतना देखिए भगा देगी माया, दैट इज द वर्क ऑफ माया। ले यार ले दो चार टुकड़े, ले चल निकल जा आगे, ये हड्डी डाल दिया, ले जरा प्रमोशन करा दिया, ले बड़ा मकान हो गया, ले मन चाही बहू मिल गए, चलो अगले जन्म में मिलना, आगे निकलो, बस हो गए, निकल गए, इतना सस्ते में बेच दिया, रियल को वर्चुअल में बेच दिया। नहीं 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 तो वो तो तुम रखो अपने पास, पर चाहिए नहीं चाहिए हमें, मालिक चाहिए, जिसकी छाया है वो चाहिए। तो एनीवे ऐसे में समय निकल जाएगा, अक्षर ब्रह्म योग, खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूड़, संत ने कहा पाया खोया कछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर, कुछ पाना वाना नहीं है क्योंकि कुछ खोया ही नहीं है, कुछ उल्टा नहीं टंगना है, बहुत नाक नहीं दबाना है, बहुत टाइट नहीं बैठना है, बहुत पेट खड्डा नहीं करना है, बहुत कुछ नहीं करना है, गीता कहती है खोया ही नहीं तो पाना क्या है, कभी नहीं मिल सकता, जिसका खोया नहीं उसे लगता है खोया, खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूड़, पाया खोया कछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर, उसको अभी रियलाइज करना है, अब भी है, इधर है, पूरा का पूरा है, समझ लेना है, अनुभव करना है, नहीं तो इतने जन्म नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा क्योंकि कहीं गया ही नहीं था, तो वो मृग जल के पीछे भाग के जल कैसे मिलेगा ना, कस्तूरी मृग अपनी नाभि में कहो घूमे घूमे जा रहा है, भागे दौड़े जा रहा है, ये खुशबू बहुत अच्छी लगी, खुशबू कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही, कहाँ से, चाहिए चाहिए चाहिए, बच्ची तेरे नाभि में है, जिधर है उधर बैठ जा, तो शांत हो जा, तो तू तेरे से संसार को कस्तूरी मिलती है, तू कहाँ से कस्तूरी ढूंढने जा रही, शक्कर कहाँ जाए मिठास को, ऐसी कौन सी वस्तु है मीठी जो शक्कर के बिना मीठी हो, बस जो अपने स्वरूप को पहचान ले, अक्षर ब्रह्म योग जो है वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप जो है, कोई विशेष मेहनत का काम नहीं है, थोड़ी थोड़ी छलांग लगानी है, शांत होके संयमित थोड़ा जीवन जी के टेकिंग इट अ लीप, स्मॉल स्टेप फॉर ह्यूमन, जैसे वो कहा नील आर्मस्ट्रांग, जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, थोड़ी सी छलांग लगानी है, भागवत में आता है श्रीमद् भागवत में, गीता में नहीं, शुक मुनि कहते वो जिसके रेडी हो गया, जिसके समन हो वॉन्ट्स टू, वो गो खुर वो जो गाय चलते जाती है कीचड़ में से, वो खड्डा होता है गाय गैया के पैर से, उसमें पानी इकट्ठा होता है, उसको लांग जाने में क्या मुश्किल है, चकमुनी कहते हैं अरे यार इसमें डूब नहीं जाएंगे, गाय चलते जा रही है कीचड़ से और उसके खड्डे में थोड़ा थोड़ा पानी है, और कोई आदमी जाके कह रहे यार नहीं जा सकते अभी इतने देर में, क्यों, क्योंकि वो पानी है ना खड्डा है, तो उसमें क्या मुसीबत है, छलांग लगा के आगे निकल, इतना सा छोटा सा खड्डा। वशिष्ठ मुनि कहते हैं श्री राम जी से, योग वशिष्ठ महारामायण में 84,000 प्रेक्षकों के श्रोताओं के सामने, राम जी
वही बाहर जाते हैं पूजा करने हम, तो फूल पत्ते तोड़ के लाने पूजा के लिए, तो उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। टहनी को झुकाना पड़ता है, दूसरे हाथ से तोड़ना पड़ता है। अपने आत्मा का अनुभव करने के लिए क्या प्रयास करना है? राम जी को कहते हैं शिष्य को, इसमें क्या प्रयास करना है? जो स्वयं है वो तो बाहर से फूल लाने के लिए कुछ करना पड़े, लेकिन अपने आत्मस्थिति को क्या? ये मेरे नहीं, मैं खाली आपके सामने हाथ जोड़ के रख रहा हूँ विचार करने के लिए। ये तो मैंने सुने पड़े हैं और अनुभव किए हैं। आई वुड नॉट सेड इफ आई डिड नो इट। तो धीरे धीरे होपफुली उसको गार्ड रेल्स पकड़ते जाते, जय माता दी करके करके पहुंच जाते हैं देवी माता तक। तैसे हम लोग चलते जा रहे हैं एक एक अध्याय करके। आठवें अध्याय के आई थिंक 20-21 लास्ट टाइम किए थे, लेकिन गोइंग बैक देयर वन और टू स्टेप्स अगेन सो दैट फिर से नहीं आना पड़े उधर। 20वें श्लोक में था, परस्तस्मात् तु भावन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। यह ये पढ़ के सुना रहा हूँ। यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी पर अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं होता, नष्ट नहीं होता। नहीं, जैसे स्वप्न पात्र नष्ट हो गए स्वप्न के समय, ड्रीम कैरेक्टर्स गॉट लॉस्ट, 3 AM माई ड्रीम ब्रोक एंड आई वोक अप, वेयर डिड दे ऑल गो, आई डोंट नो। अच्छा, वह आई एम स्टिल देयर, द ड्रीमर इज स्टिल देयर, मैं नहीं नष्ट हुआ। दो नष्ट हो गए, तीसरा वैसा का वैसा है। दो कौन सा? स्वप्न पात्र जो थे वो सारे नष्ट हो गए, और जो मेरी इस स्वप्न की स्थिति थी, शक्ति जो थी, क्षमता जो थी, द स्टेट ऑफ माइंड थ्रू विच आई वॉज ड्रीमिंग, आई वॉज नाइदर इन डीप स्लीप नॉर वेकफुल, स्टक इन अ लिम्बो इन बिटवीन, त्रिशंकु जैसी, न गहरी नींद में थे न जागे थे। बीच वाली अवस्था जो थी स्वप्न की, वो भी नष्ट हो गई ना। बराबर सूक्ष्मता से ध्यान देके सोचे समझे इसको, तो फिर कठिन नहीं है, और फिर ज़्यादा कष्ट भी नहीं करने पड़ेंगे। सट बल्ब लग जाएगा एकदम, है वो तो बल्ब लगाना पड़ता है। अंधेर 10 साल के बाद आए, जैसे मैं कहता हूँ 10 साल के बाद आए इंडिया के अपने घर में गए, अब बाल्टी भर भर के अंधेरा नहीं निकलना पड़ेगा 2-4 दिन में। 50 नौकर लगा के बटन लगा दी तो अंधेरा चला गया। ऐसे इधर ऐसी बात नहीं है कि बहुत करना पड़ेगा, ऐसा करें ध्यान देखे इधर बटन पता चल गए तो उसको कनेक्टेड अगर हो तो, जिसके जीवन में गुरु है वो कनेक्टेड है पावर हाउस के साथ। अब वो बटन ऑन करनी नहीं करनी अपने अपने घर वालों की बात है, पावर हाउस अपना दिए जा रहा है, जिसको चाहिए ले जाओ भैया। तो वो पावर हाउस आके एक 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 घर में जाके थप्पड़ लगा के नहीं करेगा शायद, ऑन कर करके। तो बहुत कष्ट की इसकी बात, निराश होने की बात नहीं है, अरे नहीं होता अपने से नहीं होता ऐसा करना पड़ेगा, नहीं 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 शांत शांत होना, अंदर जाना, सोचना सूक्ष्मता से। तीन इधर तीन की बातें करते हैं भगवान, मैंने ये बात अपने पहले बार 15वें अध्याय में भी आएगा। तीन, जब स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न पात्र अच्छे गुंडे संत सब सब निकल गए, 3 बजे सपना खत्म हो गया, और मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड थी, दैट एबिलिटी टू ड्रीम, वो भी नष्ट हो गए। नहीं तो मैं जागा कैसे था? स्वप्न भी देख रहा हो और जाग भी रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। दैट एबिलिटी, वो पॉज बटन हिट कर दिया, गिवन इन द बैकग्राउंड, प्रोमिनेंट नहीं है वो, लेकिन मैं नहीं नष्ट हुआ। मेरी स्वप्न देखने की मनस्थिति भी चली गई, उसके कारण उठे हुए स्वप्न पात्र भी चले गए, मैं वैसा का वैसा हूँ। लहरें जल ही है, तो लहरें अगर शांत हो गई और जल भी सपोज इवेपोरेट हो गया, कुछ उन दूसरा गिर रहा है कुछ वैपोरेट, समुद्र वैसा का वैसा है, सागर वैसा का वैसा है, सागर में ही जल है और जल में लहरें, तीन है लेकिन एक है, तीनों मिलके अंत में क्यूमुलेटिवली बिल्डिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल निकला उसमें दूसरा निकला उसमें तीसरा निकला, तो इस सर्कल में यह है, इस सर्कल में ये बीच वाले, अंदर के सबको हटा दो, अंदर वाले सब सर्कल को हटा दो, इरेज कर दो, वो रहेगा जो बाहर वाला सर्कल था, उसमें सब है पहले से, है पहले से थे, अंदर वाले सब उसी में थे, समुद्र में ही जल था, जल में ही लहरें थे, जल लहरें रहे न रहे
बड़ी रहे, छोटी रहे, लंबी रहे, चौड़ी रहे, ऊपर उठी रहे, नीचे गिरी रहे, वो उसको इरेज भी कर दिया तो जो बाकी रहा उसके बाहर का सर्कल जल, वाटर, वो जल भी रहे न रहे, इवेपोरेट हो रहा, नीचे गिरा, लेकिन जिसने उसको होल्ड करके रखा था, जिसके से एंटायर बॉडी, द एग्रीगेट, द सम टोटल, स्टिल देयर. जैसे द ड्रीम कैरेक्टर्स वैनिश्ड, माई एबिलिटी टू ड्रीम पॉज्ड, बट आई स्टिल एग्जिस्ट with or without the dream, while dreaming and while waking and while in deep sleep. ऐसे भगवान कहते हैं कि उस अव्यक्त से भी परे जो दूसरा विलक्षण सनातन अव्यक्त. सनातन इज ओरिजिनल, एवर फ्रेश, नेवर चेंजिंग, द एब्सोल्यूट. वो ये सब होने के बाद भी उसको कुछ नहीं होता, वैसा का वैसा रहता है. वी आर वन विद इट, इट इज मैनिफेस्टिंग थ्रू अस. It is reflected in us. In fact, we are that. Tat, Tvam, Asi. Aham, Brahma, Asmi. Aham is I, Brahma, that, who, jo, the greatest. Asmi is whom. Tat is that. Tvam is you. Asi is our. Nau bar maha upanishadu mein aaye maha vakya alag alag prakar se. Ye 100 saal tak bhi suna, to nahi pata chalega. Aur 1000 bar padh liya, to bhi nahi pata chalega. और सारे अभी जो गुरु है संसार में सारे धर्मों के, आखिर के कहने लगे फिर भी नहीं पता चलेगा. बाहर से नहीं होगा ये क्रिया, बाहर वाली नहीं है. मेरे कहने तो बात ही छोड़ो, मेरी तो गिनती नहीं, मेरे को तो बेच के चने खा लेंगे चवन अठनी में. ऐसे सबों की बात कर रहा हूँ मैं. अंदर खुद जब खुद खुदा खुद खुदाई जब करेंगे, एक खुदा की जो खुदाई है बाहर की, ये डिस्ट्रैक्शन है. इस खुदा की खुदाई से जब हटके खुद खुदाई जब करेंगे अंदर में खुदाई, तब पता चलेगा. अरे जब मुझे मिला आत्म हीरा, कबीर जी कहते, तब सब जग लगा सवा कसीरा. इसको तो मैं सवा पाँव में बेच दूँ यार, कबीर जी कहते सारे संसार को. ऐसा मुझे आत्म हीरा मिला, इसकी कीमत ही क्या है. और ये जन्म इधर ही जा रहा है. दैट इज द मेजर डिस्ट्रैक्शन विच अलोन इज द प्रॉब्लम. तब बहुत हो गया भैया मैया, बहुत हो गया. ये जो इस जन्म में नहीं, सात जन्म में भी टिकेगा, इतना हो गया. अभी बुद्धिमानी का समय आ गया, अभी राधा माता राधाष्टमी आई है. अब तो बिल्कुल स्लो डाउन, वो गैस को कम कर दे, डायल जल जाएगा. अभी इसको जला देंगे, समझ लेना. अभी इसको हाई पे, अभी भी हाई पे रखा तो सारा जल जाएगा. ऐसे ही हो रहा है, जलाया जा रहा है. लो लो पे नहीं करना, ला करना चाहिए. आगे चल के निर्वाण पद बंद, बुद्ध भगवान कहते हैं निर्वाण पद बंद कर देना. निर्वाण बंद, लो भी नहीं. योगो निर्विण्ण चेतसा, भगवान कृष्ण कहते गीता छठे अध्याय में, सनिश्चयेन ये योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, resolutely minded, extinguished, put off, turn off. फिर भय नहीं है आग लगने का घर में. जब गैस बंद कर दिया फिर निकले बाहर, मोमबत्ती दिया बुझा दिया फिर निकले बाहर, फिर चिंता नहीं है. नहीं तो फिर दो चार मिल गए, दस मिल गए, आधा रात, अरे यार गैस पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, बंद किया नहीं, चलो वापस, नहीं तो भेजो किसी को. क्यों? डर लग रहा है बंद नहीं किया होगा तो. इसलिए भय हो रहा है जीवन में, इनसिक्योरिटी लग रही है, एंग्जाइटी हो रही है, एंग्शस हो रहा है, मिजरेबल हो रहा है, क्योंकि अभी बंद नहीं किया, पता नहीं आग तो न लग जाए, संताप हो जाए, क्रोध की अग्नि आ जाए. नरक के द्वार कहे भगवान ने गीता में, तीन कामना क्रोध. तो ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी, मैं जो कह रहा हूँ इसमें, ये तो बहुत ही सिंपल शब्द है, ऑर्डिनरी वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, एकदम सिंपल वोकैबुलरी है. इसमें कोई मुसीबत ही नहीं है, कोई कठिन नहीं है भाषा. और ये इसमें से एक अभी बात मैं दावे से कहते, जो मैं कह रहा हूँ आपको पता नहीं, ऐसे नहीं है, हो सकता नहीं. मैं तो खाली तोते के नहीं आपकी बातें आपके सामने रख रहा हूँ. आई कैन चैलेंज यू, देयर इज नथिंग दैट आई एम टेलिंग यू दैट यू डोंट ऑलरेडी नो. सो प्रोसेसिंग इट, इंटरनलाइजिंग इट, एनलिवनिंग इट, एम्बॉडिंग इट, मैनिफेस्टिंग इट, बिहेवियर अल्टीमेटली. इधर शंकराचार्य भी कहते प्रश्नोत्तर मालिका में, सब योग की परिभाषा भगवान ने कही, बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन, इट हैज टू शो अप, यू हैव टू बिहेव लाइक इट.
बिंदास फर्स्ट क्लास एवरी मोमेंट, बिंदास एवरी मोमेंट फर्स्ट क्लास इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, देशे काले च पात्रे च, सत्रहवें अध्याय में कहते भगवान, किसी भी देश में हो, किसी भी मुल्क में, किधर भी चले जाए, कहीं भी, अच्छा हो बुरा हो, जो भी आश्रम में हो, नहीं तो जुआ घर में हो, नहीं तो वो क्या स्लॉटर हाउस में हो, नहीं तो किस मंदिर में हो, जो देश होगा वो देश है, कौन सा भी काल हो, स्टॉक मार्केट अप हो डाउन हो, गर्मी के दिन हो ठंडी के दिन हो, पॉलिटिकल टर्मोइल हो वार हो शांति के दिन हो, कैसा भी काल हो, काल देशे काले च पात्रे च, गुंडों के साथ, कमीनों के साथ, गद्दारों के साथ हो, नित साधु संतों के, साधकों के साथ, संगत के साथ हो, एवर द सेम बिंदास फर्स्ट क्लास, इसको भगवान कृष्ण योगेश्वरेश्वर जो है, द सुप्रीम ऑलमाइटी अल्टीमेट फाइनल कह रहा, दैट इज योग। ये तो बिहेवियर वाली बात हो गई, ये पढ़ लिख के सुन सुन के वाली बात नहीं हुई, तो इसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए पहले। बात थोड़ा भजन दो चार कम गा लिए तो कोई बिगड़ेगा नहीं, मंदिर में एक दो चार कम हो गए यार भाई, वो तो 12 बजे खाना पड़ा, एकादशी नहीं हो पाई, ठीक है, कहाँ भगवान ने गीता में एक बार भी नहीं कहा, उल्टा कहा मेरे को तकलीफ दे रहा है, करा भगवान 17वां अध्याय जब पढ़ेंगे 17th chapter 6th में भी कहा, वाई आर यू टॉर्चरिंग मी, गॉड इज, व्हेन डिड आई टेल यू टू किल योरसेल्फ, मेरे नाम से लेकर के, गाइस आई एम एक्सपीरियंसिंग थ्रू यू, इज सेइंग व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी, यू डोंट इवन एग्जिस्ट, I alone am experiencing. Why are you doing this? I took birth in your form so I would enjoy in different ways my own creation, the goodness, the love, the purity. इसके लिए ये क्या नाटक लग गया, लगा दिया, ये कहाँ से उल्टी खोपड़ी चल पड़ी, सिंपल रहे ना, मॉडरेट रहे, नॉर्मल रहे, दैट इज द पाथ ऑफ गीता, जनरल नॉर्मल गुड मॉडरेट, ये बिल्कुल संभव कैसे नहीं है, ये संभव नहीं तो फिर क्या संभव है, इसलिए समय जा रहा है, कष्ट लग रहा है, असंभव लग रहा है, अपने लिए नहीं लग रहा है, वो तो कई आंखों में एक होता है, कहाँ ऐसे कैसे, पागल भगवान है क्या ऐसा करेगा, सुहृदम सर्वभूतानाम कहता, मैं सबका सुहृद हूँ, सामने से कह रहा है, तड़प तड़प के कह रहा है गीता में, नहीं नहीं यार मैं तेरा वेलविशर हूँ, वेल डूअर हूँ, पर्सनल बात कर रहा है, तेरे लिए आया हूँ, इसकी कदर रखे भैया, उसका आदर करे, वे अपने विवेक का आदर करे, अपने अनुभव का आदर करे, उसके लिए सहज सुलभ हो जाए। तो ये कहा था उस श्लोक में, और 21वें श्लोक में कहता है, जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, उसके आगे कुछ नहीं है, परम गति है, दैट्स द फाइनल स्टेट, इवन स्टेट ऑफ माइंड, इवन कील, स्टेडी स्टेट ऑफ माइंड, सेट इन प्योर गुडनेस इज इट, दैट्स दिस इज द पैराडाइम, दैट्स द पिनकल ऑफ योगा। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वंस यू अचीव टू दैट इवन स्टेडी स्टेट ऑफ माइंड, उसके क्या लक्षण होते हैं सबों में, जस्ट डिस्क्राइब, जिसके विषय में भगवान कह रहे हैं, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, ऐसा ही बात 15वें अध्याय में भी कहते हैं, ऐसी बातें उपनिषदों में भी आती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासा, उपनिषदों में आता है, उधर जाके फिर वाणी मन वापस नहीं आता, वापस आने की जरूरत भी नहीं होती और इच्छा भी नहीं होती, क्यों, क्योंकि अल्टीमेट फाइनल हो जाता है लिबरेशन, तो वो क्या, ये मेरा धाम है, वो तो उधर मैं मिलता हूँ, उधर मैं हूँ, उधर बैठा हुआ, ऐसे नहीं, दिट्स अगेन इट्स स्टेट ऑफ माइंड, फिजिकल रियलम नहीं है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड से ही प्राप्ति हो सकती है, शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा ईश्वर प्राप्ति के लिए, शरीर मतलब मरना पड़ेगा, नहीं कह रहा हूँ, शरीर को भी रखे और ईश्वर को भी, तो उसमें कंटेमिनेशन, द बॉडी इज अ कंटेमिनेंट राइट नाउ, कंटेमिनेटेड है सोच हमारी, क्योंकि बार बार डिस्ट्रैक्ट जाते, शरीर के होते हैं, अच्छा मेरे बाल तो ठीक है,
ये बराबर ये गोल नहीं लगा आज, देखो जरा थोड़ा ऐसा हो जाना चाहिए था, ऐसा तो नहीं है, इधर कर दे, हो गया डिस्ट्रैक्ट। ये नहीं थे हम इसमें, 100,000 डिस्ट्रैक्शंस, इसलिए तो इधर मन गया, उधर मन गया, उधर मन गया। इसलिए उसमें एक बात है, इस ये जब स्थिति भगवान के घर जब पहुंच जाएंगे, मतलब स्टेट ऑफ माइंड जब हो जाएगी, तो क्या बातें अनुभव में आएगी, सभाओं में मैं दिखाई दूंगा, लिटरली, बातें नहीं बना रहा हूँ, लिटरली अक्षर शाह, शब्द शाह, फॉर रियल, क्या अनुभव होगा, सब में मैं हूँ, ये मैं ही है, मेरे को जूते मार रहा है, गाली दे रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, हंस पड़ेगा वो, अपने वो जो व्यवहार करना है वो तो कर देंगे, उसको भगा देंगे, उससे रक्षा करेंगे जो भी, लेकिन मन नहीं कट होगा, मन नहीं खराब होगा, अपने मुंह से नहीं गाली निकलेगी। भगवान कहते गीता में दूसरे अध्याय में, कर्म बंधन प्रहास्यसि, हंसतेगा अर्जुन, ये युद्ध युद्ध तो करेगा सबको तू जो करना, लेकिन हंसते हंसते, क्योंकि लगेगा कैसी या बचकानी बातें कर रहा, तू जानता नहीं मैं जानता हूँ, इतना ही फर्क है, नहीं तो दो एक ही है, तू जानता नहीं है मैं जानता हूँ, हम दो नहीं है, और ये सब के प्रति लगेगा, आदमी नहीं, खाली औरत नहीं, प्राणी पक्षी पंछी सब, सजीव निर्जीव, एवरी ऑल ऑफ क्रिएशन, पहला लक्षण होगा प्राप्ति स्थिति में, कि क्लियरली बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई, राइट नाउ आई एम आइडेंटिफाइंग सपोज इफ जस्ट विद दिस बॉडी, ये दो चार चार पाँच चार चार छः फीट का, 150-200 pounds का जो भी होगा, उतना मैं हूँ नहीं, मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, पहला लक्षण होगा, पहली स्थिति आनी चाहिए। फिर उसके उस ज्ञान के अनुसार अलाइन हो जाएगा, गीता के ज्ञान के अनुसार अलाइन हो जाएगा जीवन, मतलब बिहेवियर में एक्सेप्शन नहीं होगा कि ये अंदर अपवाद है, कब ज़्यादातर हम लोग ठीक ठीक रहते हैं, ऐसे नहीं, अप अन एक्सेप्शन हो, सब नॉर्मल हो जाएगा एवरी मोमेंट, एंड सरेंडर्ड इन लव, जब फिल्ड रिप्लीट विद द ब्यूटी ऑफ क्रिएशन, भगवान की अच्छाई गुडनेस प्रेम का जब अनुभव होगा, अपने आप मन नीचे हो, अपने आप झुक जाएंगे, सरेंडर्ड इन लव ऑफ गॉड, ठीक है, देन विल बी कम्प्लीटली अनस्टक, इतना ही काम करना रह जाएगा, अभी तो 20-30 साल शायद रह गए, और मरने के लिए क्या करें, तो नहीं, बस डोंट रिमेन अनस्टक कम्प्लीटली, दैट कैन बी द ओनली फ्रीडम, स्टक अगर हो गए, आग्रह हो गया, दुराग्रह हो गया, यही ऐसा यही बराबर, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो फ्रीडम कैसे है, मुक्ति तो वो ये जो अनस्टक है इन ऑल सर्कमस्टेंसेज विद ऑल पीपल अंडर एट ऑल टाइम्स एट नो मैटर वेयर वेयर आई गो, अनस्टक एंड गिविंग एज मच लव टू एज मैनी पीपल एज आई कैन, देयर इज नो एंड टू इट, एक ही काम बाकी, बस फिर प्रेम बांटना, प्योर लव, अनकंटेमिनेटेड लव, एक्सपेक्टेशन फ्री, जजमेंट फ्री, कॉस्ट फ्री, ऑब्लिगेशन फ्री, जस्ट फ्री, दैट अलोन कैन बी फ्रीडम, नो एक्सेप्शन इन दैट। सो इस फिर वहां से कौन वापस आना चाहेगा, आने की जरूरत, इसलिए भगवान कहते उधर से मनुष्य वापस नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। उस स्थिति के लिए 22वें श्लोक में थे, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्, 8वां अध्याय 22वां श्लोक, वन ऑफ माय फेवरेट्स इन दिस चैप्टर। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है ना। वट कैन आई गिव यू माई लॉर्ड दैट यू विल गिव मी योर अल्टीमेट, मैं क्या दे, उसी की वस्तु है तेरा, तो उसको देता है क्या लागे प्रभु मोर, इस सब कुछ उसी का है, ये खोपड़ी भी उसी की है, उस पर लगा छपड़ा भी उसका है, सब ही उसी का है, तो उसको क्या देंगे हम, कौन सा पेड़ा दे ही देंगे कि ले तेरे को 1,000 मोदक ले दिया, अब मेरे को दे दे कुछ, अगले सब खुद एक हड्डी मांस उसका दिया हुआ है तो उससे बना हुआ कौन सा कैसा मेरा हो गया, उसको क्या दे सकेंगे, और फिर भी वो सब देने को लगते हैं तैयार, ले तेरे सब चाहिए, मेरा अनुभव चाहिए ना। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः,
सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। 14वें अध्याय में दूसरा श्लोक आएगा, कहते अरे तेरे को सब देता हूँ, जो मेरा अनुभव तेरा अनुभव, जो मेरा वैभव वो तेरा अनुभव। इसी गीता में 14वें अध्याय में दूसरा श्लोक, उसके बाद कभी दुख का नाम नहीं रहेगा, कुछ कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्रलय भी हो जाएगा तो ऐसा का वैसा रहेगा, कौन सी कीमत देंगे उसके लिए, उस प्राप्ति के लिए। वो कहते कुछ नहीं, इफ़ यू वॉन्ट इट आवर जस्ट, इफ दैट्स ऑल यू वॉन्ट देन दैट्स वॉट यू विल गेट। लव भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, यार इसके लिए तो तेरे को प्रेम से ही तो खरीदा जा सकता है ना। बाप पे पिता पुत्र को जो भी सब दे डालता है, क्या पुत्र के पे प्रेम से ही देते हैं? माँ बच्चे के लिए करती है इतना बचपन से, क्यों प्रेम से करते हैं? नो ग्रेटर फोर्स, देर कैन बी नो ग्रेटर फोर्स। अभी मैंने शुरू में ध्यान में या सत्र के प्रारंभ में कहा, मैक्रो और माइक्रो दोनों में, मैक्रो बड़े में बड़े फोर्स अट्रैक्शन है, और छोटे से छोटे में, दैट अलोन इज द रीजन व्हाई एवरीथिंग इज हेल्ड टुगेदर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिस्ट्री पढ़े, एडवांस केमिस्ट्री पढ़े, एडवांस फिजिक्स पढ़े, दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलोन इज द सिंगल फोर्स that has kept everything intact and that is love। तो भगवान कहते चल ले पत्रम पुष्पम फलम, थोड़ा सा प्रेम भक्ति से ही होगा। जितनी जितनी मात्रा में अनकॉम्प्रोमाइजिंग, द मोर आई एम विलिंग टू सरेंडर एवरीथिंग दैट आई गॉट, द ओनली थिंग आई हैव दैट इज ऑफ माई ओन इज माई चॉइस, माई विलिंगनेस। भगवान ने दे छूट छाट दे रखी है मनुष्य को, यथे इच्छसी तथा करो। भगवान कहते 18वें अध्याय में अर्जुन को, चल भाग, तेरे को गुवा में बैठना है, नहीं फाइट वाइट नहीं करना है, युद्ध नहीं करना, निकल जा। यथा इच्छा असी तथा करो, तेरी जो इच्छा वो कर। अपने को सबको चॉइस दिया है, खाली अर्जुन को नहीं दिया था, जो करना है वो कर। इतना प्रेम इस खाली प्रेमी कर सकता है, पगला प्रेमी जो होगा वो ही ऐसा कर सकता है। तेरे को जो करना है वो कर, मेरे प्रेम में कमी नहीं होगी, ऐसा उसने कह दिया। तो मेरा कर्तव्य, मैं भी उसको ऐसा कर, तेरे को जो करना है कर, जूते खिला, गाली खिला, भिख मंगा मेरे से, नहीं तो कभी चबाए चना चबेला, कभी खीरन दी, वाह वाह रे मौज फकीरन दी। तेरे तू तेरे को जो करना वो कर, लेकिन मेरे प्रेम में भी कुछ कम नहीं होगा। तो कहता अच्छा चल आ जा फिर यार, बैठ जा मेरे बाजू में, अब तू और मैं अलग नहीं रहे, एक हो गया ओरिजिनल स्टेट। सो ये संभव है, ऐसा हम प्रेम में करते हैं, माँ पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं, जो सच्ची मैत्री होती है, दोस्त दोस्त होता है, ऐसा ही करते हैं। वी पुट अदर्स फर्स्ट, हस्बैंड एंड वाइफ हु लव ईच अदर ऑनेस्टली, दिस इज़ व्हाट वी डू दिस फॉर ईच अदर। सो दिस इज ओनली रिफ्लेक्शन, सो दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। कि तू वो कह रहे कि यह बस प्रेम दे दे, प्योर लव दे दे, मेरे सारा प्योर प्योर मेरा स्थान तेरे को हो जाएगा। और ये दे भी रहे तो क्या दे रहे, मन से दे रहे, वास्तविक में क्या दे रहे, मन उसमें लगा रहे, वस्तु कौन सी दे रहे, प्रेम कर रहे तो। सो दैट वॉज दैट श्लोक, विच इज़ वाई लाइक इट अ लॉट। और फिर नेक्स्ट चलो वी विल वाइंड अप क्विकली, आई विल नॉट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ 23, 24, 25, क्योंकि It's somewhat irrelevant to the essence of the Gita, somewhat. Itni dushtata main nahi kar sakta, at least to the momentum that we have picked up. Because that, again, this being a technical chapter, delineates exactly kaun se kaal mein mrityu hone se kidhar jata hai. Even God himself very quickly moves on. Idhar jyada belabor nahi kiya idhar Bhagwan ne. Ye aisa hota hai, waisa idhar mare tab aisa hoga, waisa. Lekin in that, while he was on that topic, he just goes through it. इन 26 वो कहते हैं, क्योंकि जगत के ये दो प्रकार है, शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान, मार्ग सनातन माने गए। जैसे आपने देखा होगा हर ध्यान के समय यूजुअली आए ब्रिंग आउट कि ये शुक्ल पक्ष चल रहा है, जैसे अभी ये भद्रपद मास चल रहा है गुडनेस का, ये अभी शुक्ल पक्ष शुरू हुआ, सप्तमी से अष्टमी की ओर जा रहा है शुक्ल पक्ष, वैक्सिंग एंड वेनिंग एसेंशियली। शुक्ल इज वाइटर एंड वाइटर, शुक्ल इज वाइट राइट, और कृष्ण इज डार्क, मेरा कन्हैया डार्कर था ना, तो वेनिंग। तो वो पक्ष जो शुक्ल और कृष्ण जो होते हैं, इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर से वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन उससे
ज़्यादा पते की बात भगवान कहते हैं 27वें श्लोक में, 27th, न इति श्रुति पार्थ जानन योगी मोह्यति कश्चन। ये योगियों के काम की बात नहीं है, इसलिए मैंने भी स्किप कर दिया, अपने आप अनाया सोच के नहीं हुआ कि तस्मात सर्वेषु कालेषु भोग योग युक्तो भवार्जुन। भगवान कहते हैं पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई योगी मोहित नहीं होता, इनमें नहीं फंसते। अच्छा, शुक्ल पक्ष में ऐसा करेंगे, कृष्ण पक्ष में, वो कर्म कांडियों का मार्ग है। गणानाम भाम गणपति गण हवाम है, कभी ना ईश्वर शोपचार से करें। अच्छा है, बुरा नहीं है, अच्छा तो है लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सुपेरियर नहीं है। बुरी कोई बात नहीं है, भगवान की बनाई दुनिया में संभव ही नहीं है बुराई नाम की। सूर्य में अंधकार हो नहीं संभव है, इल्यूजन हो सकता है, प्रकाश गुडनेस में सेट है। तो प्रश्न बुराई का नहीं, अभी ज़्यादा समय नहीं, जल्दी जल्दी करना है तो आज पतली गली से निकल जा कर भगवान, इसमें मत फंस। इस दिन भी यह करेंगे, इस दिन वो खाएंगे, उस रंग का फूल, उसको ये स्तोत्र, ये आरती, इधर इधर वाले, ये उधर वाले, जन्म निकल जाएगा उस, चल फटाक से निकल जा गए इधर। तो योग का मार्ग है, योगी योग का साधक है, तो इससे कुछ नहीं, नेवर माइंड दैट, यू कैन डिसरिगार्ड इट, देयर इज नो प्लेस फॉर क्रिटिसिज्म, बट वी कैन डिसरिगार्ड विदाउट क्रिटिसाइजिंग। हे पार्थ, इसलिए योगी मोहित नहीं होते, इस कारण है अर्जुन तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है, 27th। इसमें कहते किसी भी मार्ग से किसी भी कर्म कांड में फंसते नहीं है योगी वाले। अरे यार ये क्या हो गया, वो कहते गणपति चतुर्थी हुई अभी 2 दिन पहले, उस दिन चांद को देख लिया, सुनी होगी कथा चंद्रमा को, नहीं सुनी होगी तो बताएंगे अगले बार, अब कलंक लगेगा क्योंकि वो चंद्रमा हंस दिया था गणेश जी को बड़ा पेट देख के, धीरे धीरे मोशक पे जा रहे हैं। तो गणपति ने कह दिया अरे तू जानता नहीं है मेरे विषय में, इसलिए ऐसे हंस रहा है। अरे पगले तेरे को देख के दूसरे गधे भी हंस रहे। अच्छा जो जो हंस रहे ना, ये याद रखना है, हंसने की बात नहीं, मेरी छोड़ गणपति भगवान ने कहा, वो तो भगवान है। लेकिन कोई मोटा दिखे, कोई धीमे धीमे हैंडीकैप दिखे, हंसना नहीं चाहिए, कलंक लगेगा देख तेरे को। चंद्रमा के पहले कहते चंद्रमा स्पॉटलेस था, सफ़ेद था, वो खरगोश नहीं दिखता था उस पर, चंद्रमा पर, उससे उस पर खरगोश आ गया, कहते खड्डा हो गया उसमें, वो जो अभेस है वैली है उसमें एक, वो वैली क्या करती है, किसी भी वैली ग्रैंड कैनियन, वो लाइट अंदर घुस जाता है उसके, तो उधर काला काली सी लकीर दिखती है ऐसी, तो लगता है कुछ है। ऐसे ही जो हंसते हैं अपने से कम हो, नीचे अनफॉर्चुनेट जो हो, दुर्दैव हो, उन पर जो हसीियत है उनको कलंक लगेगा, वो निर्देश करती है। इसलिए वो उस सार को ग्रहण करना चाहिए, ये तो उधर देख लिया अभी बस बौखला गया, अभी साल खराब हो गया, क्यों अभी कलंक लगेगा, नहीं वो बात को समझ। तो इस भगवान कहते उसमें मत ज़्यादा फंस, सार को ग्रहण कर। तस्मा न इति श्रुति पार्थ योगी मुह्यति कश्चन, मोह में मत पड़, उल्टा ज्ञान मतलब कुछ का कुछ न, बात का बात अंगड़ मत कर। तस्मात देयरफॉर सर्व एशु एट ऑल, क्या काल एशु टाइम्स एट ऑल टाइम्स योग युक्त भव अर्जुन, भव मतलब हो जा, क्या योग युक्त कनेक्ट हो जा, मेरे से कनेक्ट हो जा, यूनाइट हो जा, आइडेंटिफाई योर वननेस विथ मी, दैट्स योग, रियलाइज अंडरस्टैंड गेट इट दैट यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम मी, यू आर नॉट डिसकनेक्टेड फ्रॉम मी, मैं अलग हूँ तू अलग हो ऐसा नहीं, समुद्र अलग है और लहर उधर पान खर्रा खाने बीड़ी पीने के ऐसे नहीं है रास्ते पे, समुद्र पे ही लहर है, कनेक्टेड है, वन है, लहर का अस्तित्व नहीं है। वो मेरे खोपड़ी में से निकले 2 बजे 2:30 बजे और किधर के किधर चले गए, इनको सबको अभी समेट के लाओ यार, सपना खत्म होने की बात, समय हो रहा है जल्दी, अलार्म बजने वाला है, सब आ जाओ वापस, नहीं तो गुम हो जाओगे, ऐसी बात नहीं है। वो इधर ही थे, इधर ही है, इधर ही रहेंगे, किधर नहीं जाएंगे, कनेक्टेड है मेरे साथ, स्वप्न पात्र ड्रीम कैरेक्टर्स। ऐसे भगवान कहते योग, तस्मात सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, जो ये कर पाएगा मान ले, पहले अल्टीमेटली जानना है, जानने से पहले मानना पड़ेगा, जब मानेंगे तो जानेंगे, जानेंगे तो पहचानोगे कि हाँ यार अलग नहीं थे, इधर ही बैठा था,
वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था नज़र तो नज़र का कसूर था। कैसे ये गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली, दर है मेरा प्रियतम, मेरा प्रियकर, मेरा प्रेमी, मेरा परमेश्वर, इधर है। तो कि दर भी इस झोले को जिधर लेके गया, पूर्ण परमात्मा को लेके गया साथ में, तो कोई डर की बात नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है। इसलिए तो सब काल में सम बुद्धि रूप योग से युक्त हो, अतः निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए, मतलब कनेक्टेड रहने के लिए। सो वुल स्टॉप हियर। लास्ट टाइम द गुड न्यूज इज दिस चैप्टर इज अबाउट टू एंड। 28वां श्लोक आखिरी श्लोक, अगले समय करते हैं। वहाँ से फिर 90वें श्लोक में मस्त फर्स्ट क्लास धुरंधर अध्याय है अगला, जो है राज विद्या राज गुह्य योग, द किंग ऑफ सीक्रेट्स, द ग्रेटेस्ट ऑफ डीपेस्ट ऑफ मिस्ट्रीज, द फाइनल ट्रूथ, उसमें आएगा 90वें अध्याय में। इट्स अ क्लाइमैक्स ऑफ गीता। सो तब तक क्षमा करें, आज ज़्यादा हो गया, 10 मिनट रहा नहीं गया प्रेम में। और अभी से राधाष्टमी है, माँ के नाम से फॉरगिव कर दे। मराठी में कहते हैं हम लोग, एक स्तोत्र आता है वेंकटेश के बालाजी का, पुत्राचे सहस्त्र अपराध माता काय मानी तयांचा खेद। वो बच्चा हजारों हजारों गलतियाँ करता है, माँ माफ़ी किए जाती है। ऐसे मैया हाथ जोड़ के क्षमा करवा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।